लेसन सिक्स मैट्रिसेस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन इफ ए इज इक्वल्स टू 1 - 1 ए बी एंड ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 - 0 - 0 - 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 by 2 का। अब फाइंड करना है ए एंड बी वैल्यू, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से शुरू कर देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ए सेट ये है, ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, ये गिवन है ए, और ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि ए एंड ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए सेट ये है, हमने करना है ए स्क्वेयर जो मैट्रिक्स है ये, इसका स्क्वेयर लेना है। स्क्वेयर लेने के बाद देन जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसके जो एंट्रीज है उनको इक्वल करेंगे 1 and 0, 0, 1। सो हम शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ए सेट हमारे पास ये है, तो ए स्क्वेयर मीन्स ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए मल्टीपल बाय ए। नाउ ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 - 1 ए बी, तो मल्टीपल देंगे उसी के साथ ही ए बी। पिछले वीडियोस में ये डिस्कस हुआ है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो जो है इसको फर्स्ट रो के साथ भी मल्टीपल देना है और फर्स्ट कॉलम के साथ देन सेकंड कॉलम के साथ भी 1 - 1 - 1। ये जो फर्स्ट एंट्री है एलिमेंट है इसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। यहाँ पे माइनस है, माइनस 1 - a, तो थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे -1 - b। अब इसका हो गया नेक्स्ट a प्लस ए बी देन माइनस a प्लस बी स्क्वेयर। अब हमारे पास ए स्क्वेयर मैट्रिक्स ये आया हमारे पास, तो इस ए स्क्वेयर जो मैट्रिक्स है इसको इस में पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 1 गिवन करो, ठीक है। इक्वेशन 1 इसको असाइन करना है, तो वैल्यूज इसमें पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। पुट इन वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इसमें पुट करना है। ए स्क्वेयर हमारे पास आया है 1 - a - 1 - b देन a प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आया इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ये है। अब हमारे पास होगा ये सिंपल है, यहाँ से 1 - a इज इक्वल्स टू 1 करेंगे, 1 - a इज इक्वल्स टू 1, तो -a इज इक्वल्स टू ये इस साइड पाएगा 1 + a - 0 a इज इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पे 1 - 1 b = 0 है, -b = 1, b = -1। बहुत साइड पे माइनस मल्टीपल करने से माइनस माइनस प्लस और ये इसके साथ माइनस आएगा, तो ये हमारे पास वैल्यूज आए। अब इसको चेक करने के लिए सिंपल ये वैल्यूज a की वैल्यू और b की वैल्यू इस मैट्रिक्स में पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पुट कर लेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो इक्वल आए तो फिर ठीक है, अदरवाइज फॉल्स होगा।
यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, जीरो है, माइनस जीरो, माइनस वन, माइनस बी की वैल्यू माइनस वन है, तो माइनस माइनस प्लस वन। अब यहाँ पे ए जीरो है प्लस ए की वैल्यू जीरो मल्टीपल बाय माइनस वन, यानी नंबर मल्टीपल बाय जीरो, जीरो होता है। तो माइनस वन माइनस ए जीरो है और देन प्लस माइनस वन की होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे वन ही आएगा, यहाँ पे जीरो, इस जगह पे भी जीरो, यहाँ पे वन माइनस वन, ये पिछले वीडियो में भी बताया है, फिर से रिमाइंड करवाता हूँ, माइनस वन मल्टीपल बाय माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, देन वन वन वन, वन बाय वन वन होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन टेन है, क्वेश्चन टेन में ये बता रहा जा रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप टी पावर में टी है, टी ट्रांसपोज को शो करता है, ट्रांसपोज मीन्स रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना। यहाँ पे हम ए ट्रांसपोज जो कि हमारे पास है ए आई जे एम मल्टीपल बाय एन, अब यहाँ पे इसको ट्रांसपोज लेने पे हमारे पास ए आई जे एन मल्टीपल बाय एम, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं जिसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसके रिलेटेड में जर्नल जो हम रेगुलर जो लाइफ में यूज़ करते हैं उसके बारे में और वीडियो बनाऊंगा, वो उनका अलग बनाऊंगा। अब ये सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करके आपको सोल्व करना सिखाऊंगा, देन उसके बाद दूसरे चीज़ें करेंगे। अब यहाँ पे ट्रांसपोज है, ठीक है दोस्तों, ये प्लस है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में ये होता है कि यहाँ पे होल है ए प्लस, इन दोनों सेट्स को मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को एड अप करके देन उस पे ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, वन टू माइनस वन, यहाँ पे हमारे पास है वन टू थ्री, इस एंट्री को इस एंट्री के साथ फर्स्ट एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो सब्ट्रैक्ट, ठीक है, एडिशन का ये रूल है, थ्री माइनस है तो फिर, ये इजी स्टेप से ये आपको समझ में आ रहा होगा, टू यहाँ पे वन फाइव ज़ीरो, ये हमारे पास सेट आया। अब इसका होल ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है दोस्तों, इस पे यूँ करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद ट्रांसपोज का साइन ख़त्म होगा क्योंकि ऑपरेशन अप्लाई हो गया, इस वजह से वो वाइप होगा, थ्री इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, थ्री टू टू वन फाइव ज़ीरो, यह हमारे पास ट्रांसपोज का रिजल्ट आया। तो अब ए प्लस बी की जानिब जाते हैं, यहाँ पे ए ट्रांसपोज डायरेक्टली हम इस ए का ट्रांसपोज लेते हैं, तो वन माइनस वन टू, क्वेश्चन को देख सकते हैं, इससे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसपोज लिया है, टू थ्री वन, देन बी का बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू टू थ्री ज़ीरो, टू का कॉलम वाइज में लिखूँगा जो कि रो में है, और ये वन सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास इक्वलिटी के बाद जो राइट हैंड साइड पे है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू वन माइनस वन टू ज़ीरो थ्री वन, देन प्लस प्लस साइन आएगा इसका, और बी ट्रांसपोज हमारे पास ये है टू माइनस वन, इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने से इसके इक्वल आना चाहिए, देन हमारे पास करेक्ट आएगा क्वेश्चन, टू थ्री
वन टू फाइव टू स्कोर इसको माइनस ज़ीरो, तो हमारे पास बोथ हमारे पास इक्वल आए हैं दोनों, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो करेक्ट प्रोसेस के थ्रू किया है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमने ये सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 3.1 का। यहाँ पे हमें फाइंड ए क्यूब, ए क्यूब फाइंड आउट करने के लिए बताया जा रहा है और ए सेट गिवन है। तो पिछले वीडियोस में हमने यहाँ पे कर लिया था, तो स्क्वायर का था, अब क्यूब का है, तो फिर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए मल्टीपल बाय ए। नाउ हमने ए स्क्वायर भी इसके इस कैलकुलेशन के थ्रू हम फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद ए स्क्वायर मल्टीपल बाय जस्ट ए कर लेंगे सेट ए, तो हमारे पास ए क्यूब आएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम यहाँ पे 3/3 का है, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जाएगा। यहाँ से शुरू स्टार्टिंग लेते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर, ए मल्टीपल बाय ए, ए सेट गिवन है, यहाँ पे हमारे पास 1 1 3 5 2 6 माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीपल देते हैं सेट ए के साथ ही, सी सेट के साथ 5 2 6 माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। ठीक है दोस्तों, अब हम मल्टीपल करेंगे 1 by 1, 1 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड, फर्स्ट रो को थर्ड, यही प्रोसेस है। 1 multiplied by 1 प्लस 5 3 प्लस माने माइनस 6, थोड़े डिस्टेंस छोड़ना है, देन सेकंड पे जाना है 1 1 by 2 2 3 by 1 माइनस 3। अब इस पे जाना है थोड़े डिस्टेंस छोड़ के लास्ट कॉलम पे, फर्स्ट कॉलम पे हमने कर लिया, सेकंड कॉलम पे, अब थर्ड 1 by 3 3 1 by 6 प्लस 6 3 by 3 माइनस 9। अब यहाँ पे 5 by 1 5, ये प्रोसेस करने तक पाउज करता हूँ। तो यहाँ तक कर लिया है दोस्तों ये स्टेप, इन दोनों को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इस मेथड के थ्रू, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस प्रोसेस के थ्रू हम मैंने किया यहाँ तक। अब यहाँ से आगे कर लेंगे, यहाँ पे सोल्व करना है जस्ट 5 6 0 2 3 0 9 0, यहाँ पे 15 3 9 3 15 or 12 27 27 minus 18 18 2 and 7 9, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्रोसेस होगा, साइन माइनस का लगाएंगे, 7 7 माइनस ग्रेटर के साथ माइनस 7 प्लस 6 ये है इसमें, तो ग्रेटर के साथ माइनस है, सो माइनस 1 लिखेंगे। यहाँ पे माइनस 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 4 माइनस 1 यहाँ पे भी आएगा इसी प्रोसेस के थ्रू, माइनस माइनस 12 और माइनस माइनस 12 और माइनस 3, ये हमारे पास आया ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर हमारे पास आया ये, अब ए स्क्वेयर मल्टीपल बाय ए कर लेंगे, तो हमारे पास ए क्यूब आएगा। इसके लिए हम कर लेंगे ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर 0 0 0 3 3 9 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 मल्टीपल बाय सेट हमारे पास ये है 1 1 3 5 2 6 माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। ठीक है दोस्तों,
ये अब यहाँ से कर लेंगे इसको मल्टीपल, यही प्रोसेस करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसके लिए वीडियो लेंथ जा रहा है तो मैं पॉज करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करता हूँ। तो ये सोल्व हो गया है, यहाँ पे वही प्रोसेस करके यहाँ पे हमारे पास आया है, ये 0 आएगा, 0 0 जो फर्स्ट रो है, यहाँ पे 18 0, यहाँ पे 3690, 27 0, हम यहाँ पे माइनस 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 6 प्लस 6 0, ये 0, ये भी 0। हमारे पास ये नल सेट आया, नल मैट्रिक्स, ये हमारे पास ए क्यूब आया नल मैट्रिक्स। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट जो लेसन में आएगा उसमें हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों ये वीडियोस अपने दोस्तों तक शेयर करना है क्योंकि उनके लिए फ़ायदा हासिल हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर, बाय बाय।